देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री रामेश्वर चौरसिया ने अपनी ही सरकार को लॉ एंड ऑर्डर के मामले में जमकर लताड़ा। भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री तथा यूपी प्रभारी रामेश्वर चौरसिया ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अपनी ही सरकार की जमकर खिंचाई की और कहा, जब तक राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, राज्य का औद्योगिक विकास नहीं होगा। औरंगाबाद पहुंचे रामेश्वर चौरसिया ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। इशारों इशारों में नीतीश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि 15 सालों की निरंतर प्रयास यदि बरकरार रहती तो आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की दिशा कुछ और ही होती, मगर इस बीच 3 साल का जो गैप हुआ उससे राज्य को काफी नुकसान हुआ। कमियां है और मैं इसको मानता हूं, क्योंकि नहीं है, हम भी इंडस्ट्रियल सुगंध नहीं लाएंगे। आज भी दिन दहाड़े पट्टे में गोली से मार दो, अपहरण कर लो, इसको तो बनाना पड़ेगा। इसके लिए तो बड़े कड़े कानून के साथ और दस्तर जैसे ने जोगी जी ने शुरू किया था, आ गई लाखों करोड़ की कंपनियां लगा रही है नोएडा में, गोरखपुर में। 15 साल हो गए, कितना ही लगे ऐसे माहौल बनाने में, कितना ही और लगे। तो भाई ये 15 साल हो गए, 15 साल में फिर 3 साल आप घर ही चले जाएंगे उनके साथ, तो माहौल तो खराब होता है। माहौल होता ही नहीं खराब, माहौल बनाना सरकार के साथ साथ समाज का भी काम है। लेकिन उसके लिए आप जो बोल रहे हैं, एक कंटिन्यूटी चाहिए, बात सही है। जैसे हम शुरू किए थे, आप याद कीजिए, 5 साल जिस तरह शुरू हुआ था, अगर वो चलता रहा था बिहार की तस्वीर लगा है ना, सीमेंट वगैरह लगा, छोटा सा प्लांट लगा है, समझ गया। मैं बात नहीं कर रहा हूँ।